ये बहुत भ्रष्टजीवी पार्टी, जो दूसरों को आंदोलनजीवी बोलने वाले लोग है, राफेल से लेके इलेक्शन बॉन्ड तक देखेंगे तो ये भ्रष्टजीवी पार्टी है। उतना ही नहीं, ये रेपिस्ट जीवी पार्टी है। इनके एमपी, एमएलएज, इनके वर्कर रेप करके खुलेआम घूमते हैं, और दूसरा कोई कांड हुआ तो उसका धर्म के आधार पर डिवाइडेशन का करके जहर भर के ये आंदोलन करने जाते हैं। ये टोटली उतना ही नहीं, ये इलेक्शन बॉन्ड उतना ही नहीं, देश में के जो अति लाभदायक सरकारी उद्योग थे वो पूरे के पूरे प्राइवेट कंपनियों को बेच के उसमें लूटा लूट करे। यानी इलेक्शन बॉन्ड ये मामूली सा हो सकता है उसके सामने, राफेल से लेके सभी घोटालों में। ये 10 साल में जितने घोटाले किए हैं, कोई सरकार पीछे 200 साल ब्रिटिश राज करे तो भी इतना घोटाला नहीं करे 10 साल में जितना ये लोगों ने घोटाला किया है। तो ब्रिटिशें भी बदतर तरीके से यहाँ पे सरकार चलाने वाली बीजेपी पार्टी को हराने का सही मौका है, और इनको घर में बिठाइए, नहीं तो देश को सभी जरिए से, सभी हक हुकूक से ये नीस नाबूद कर देंगे। उसके पूरे सोच घुसपैठियों के हैं, यहाँ पे कोई घुसपैठी नहीं है, वही घुसपैठी है। उनको जो सलाह दे रहे हैं, खैबर के किंडी में से आए हुए लोग हैं, वो इस देश के नहीं है। आरएसएस या संगठन का जो सोच है, जो बुनियाद है, उसके जो लोग है, ये कौन सा धर्म बोलते हैं? हाँ, एक बाजू में हिंदू धर्म बोलते हैं, एक बाजू में वैदिक धर्म बोलते हैं, एक बाजू में सनातन धर्म बोलते हैं। ये इस देश में अलग अलग जो धर्म है वो एक नाम से है, ये एक 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 नाम से बदनाम हो गया। ये हारी हुई सोच है उनकी, बुद्ध से लेके बाबा साहब अम्बेडकर तक इनके सोच को हराया गया है। यहाँ के नागरिकों, देश के नागरिकों ने हराया गया। बेशर्मी के जैसा वही लेके उड़ते हैं जोर जोर से और देश में हंगामा मचाते हैं। तो इसको हराने की सख्त जरूरत है, ये तरक्की करने नहीं देंगे देश के लोगों को। यही यही हाँ, इलेक्शन बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार है बीजेपी का, भ्रष्टाचार इलीगल था। इन्होंने इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर, चंदे के नाम पर धंधा देने का, दो नंबर का धंधा देने का काम किया है। उसके खिलाफ में आज यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से प्रेस मीट हुआ। तो लोग समझना चाहिए, इतना सारा घोटाला करने वाले पार्टी को मोहब्बत से न देखे। मेरा नाम मौला मुल्ला, भारत कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट कमेटी मेंबर।